जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। किसी दूसरे की खुशियों को छीनकर, उसे अपना बताकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी प्राची, कभी नहीं। और रणबीर कोई घर नहीं है जिसपे तुम कब्जा करके अपनी नेम प्लेट चिपका के अपना बना लोगी। रणबीर मेरी जान है। मेरा पहला प्यार था वो, जिसे तुमने मुझसे छीन लिया। सही कह रहे हो तुम रिया, रणबीर कोई घर नहीं है जिसपे कब्जा करके कोई भी नेम प्लेट चिपका के कह दे कि ये मेरा है। रणबीर कोई गहना या जेवर भी नहीं है, कोई भी उसे चुरा के अपना बना ले। रणबीर वो हीरा है जो भगवान ने खुद बहुत पहले मेरी ही अंगूठी में जड़ दिया था। बस वो अंगूठी मैं पहन नहीं पाई, बहुत देर लगाई मैंने पहनने से। धोखे से पहनी है तुमने वो अंगूठी। याद है तुम्हें उस दिन मेरी रणबीर के साथ शादी होने वाली थी, जब तुमने रणबीर को बहका के धोखे से चोरी छुपे उससे शादी की थी। आज तो सबके सामने की है हमने शादी, रणबीर ने खुद अपनी मर्जी से सबके सामने फेरे लिए हैं, तो इसी को हमारी शादी मान लो। मैं इस शादी को नहीं मानती, ना इस शादी को ना इससे पहली वाली शादी को। भाग्य को तो मानती हो ना, अगर मेरी कुंडली देखोगी तो उसमें सातवां स्थान जरूर देखना, उसे विवाह स्थान, विवाह का घर कहते हैं। उसमें किसी ग्रह का नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ रणबीर का नाम लिखा होगा, क्योंकि रणबीर ही मेरे कुमकुम के भाग्य में है और रणबीर ही मेरी कुंडली के भाग्य में है। हम दोनों के भाग्य जुड़े हुए हैं, इन्होंने जोड़े हैं। रणबीर मेरे हाथों की रेखाओं में है और मेरे माथे के भाग्य में है। रणबीर और मैं खुद भी चाहें तो भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तुम कौन होती हो हमें अलग करने वाले, और कहां कहां से अलग करोगी? दिया और बाती की तरह रिश्ता है हमारा, एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं, पर जब मिल जाए, एक हो जाए, तो जीवन में प्रेम का उजाला है, प्रेम की रोशनी है। मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती तो क्या हो गया? मैं तुम्हें एक भी नहीं होने दूंगी। तुम भले ही साथ हो जाओ, पर मैं तुम्हारे प्यार को पनपने नहीं दूंगी। अब क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आई हैव नो क्लू, कुछ भी कर रही हूँ सब फेल हो रहा है। विक्रम प्लीज, अब इफ यू डोंट माइंड गाड़ी मत चलाओ। क्यों? तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो मुझे, एंड आई डोंट थिंक यू कैन हैंडल स्ट्रेस वेल। इसलिए आलिया, इफ यू डोंट माइंड कैन यू ड्राइव? मैं नहीं चाहती कि विक्रम ड्राइव करे। यस श्योर, थैंक यू। थैंक्स। सुनिए ना, आप रजिस्टर में साइन करना भूल गए थे। न जाने क्या लिखा है मेरे बच्चों के भविष्य में, अभी उम्र ही क्या है उनकी, लेकिन ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आधी उम्र बीत गई उनकी इसी में। आज सब ठीक हो जाएगा मम्मी जी, देखना आज के बाद उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, बस खुशियां ही खुशियां होंगी। अब ठीक हो तुम? कुछ लाओ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। घर आने से ज्यादा खुशी और क्या ही हो सकती है। हम भी तुम्हारे लिए खुश हैं कि तुम अब ठीक हो और बिल्कुल सेफ हो। और ये सब कुछ रणबीर की वजह से हुआ, अगर वो नहीं होता तो मैं शायद मीका को भी छुड़ा नहीं पाता। कभी कभी लगता था या तो मैं रणबीर प्राची को बचा पाऊंगा या मीका को, क्योंकि अगर वो दोनों अलग हो जाते ना तो शायद कभी जी नहीं पाते। बट आई एम सो ग्लैड कि अब सब साथ में है, सब सेफ है, एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्टली फाइन। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी और का पता नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये लो टिशू, शायद तुम्हारे आंसू तो ना रुकेंगी नहीं तो काम आएगा। गाइस, मॉम आ गई है। अरे तुम कहाँ जा रही हो?
वेलकम थोड़ी करना है। हाँ, तुम रेस्ट करो, जो भी डीएनए रिपोर्ट में आएगा ना हम तुम्हें अपडेट कर देंगे। नाउ टेक रेस्ट, कम ऑन। चल चलो। भूजी, मैं आप ही को फोन कर रही थी। आई एम सॉरी रिया, आई कुडंट टेक योर कॉल। बाकी सब कहाँ है? रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई रिपोर्ट। वहां रखिए। हम में से किसी ने पढ़ी नहीं है वो रिपोर्ट, सबके सामने ही पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ आप सबसे, कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एंड आई एम सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ये बात बहुत ही सीरियस है, सो प्लीज इसे सीरियसली लीजिए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। अगर किसी को कुछ कन्फेस करना है तो गो अहेड एंड डू दैट। मैं उस इंसान की बात समझने की पूरी कोशिश करूंगी, उसकी सिचुएशन जानने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर कुछ समझाना है तो प्यार से समझाऊंगी, लेकिन अगर मेरे कुछ कहने के बाद वो इंसान आगे आया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आई विल नॉट गिव दैट पर्सन अ चांस टू प्रूव हिज इनोसेंस। मैं ये समझूंगी कि ये सारा कुछ उसकी प्लानिंग थी। सो से व्हाटएवर यू हैव टू से, कम फॉरवर्ड एंड से इट नाउ, क्योंकि उसके बाद उस इंसान के साथ मैं वो करूंगी जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। उसके साथ मैं वो करूंगी जो पहले कभी किसी औरत के साथ नहीं की। आई एम द लेडी ऑफ दिस हाउस। मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ और एक सास हूँ। जितने रिश्ते उतनी जिम्मेदारियां, लेकिन उन सब जिम्मेदारियों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस घर को जोड़ के रखने की जिम्मेदारी है। और जो कोई मुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करने से रोकेगा, आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सो कम अहेड, से व्हाटएवर यू हैव टू से इट नाउ। इट्स नाउ और नेवर। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना, राइट? No one has anything to say. All right then. Mummy ji, please, if you don't mind. Thank you. Tum hi padh lo Ranbir. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।